आज चंपावत सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बनबसा और टनकपुर में भी रैली का कार्यक्रम है। चंपावत में 31 मई को होनी है वोटिंग। अपने नामांकन से पहले बीपी गंगा से बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा उपचुनाव के लिए हूं पूरी तरीके से तैयार, चंपावत में विकास की काफी संभावनाएं। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, चंपावत उपचुनाव और अपने गढ़वाल दौरे को लेकर देंगे जानकारी। नैनीताल के भीमताल में बादलों का सितम, मूसलाधार बारिश के बाद तालाब बनी सड़कें, तो बरसाती नालों में भी आया सैलाब। केदारनाथ यात्रा पर दो दिन के भीतर चार तीर्थ यात्रियों की गई जान, तीन महिला यात्रियों की तबीयत बिगड़ने से हुई मौत, तो एक श्रद्धालु ने खाई में गिरने पर तोड़ा दम। मुजफ्फरनगर में कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क, 1995 से लगातार बड़ी वारदातों में शामिल रहा है अपराधी संजीव जीवा। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कोर्ट से आदेश के बाद की गई कार्रवाई, गाटा संख्या 43 पर कमला नाम के व्यक्ति की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र में टिप्सी क्लब बार में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मथुरा के थाना मंगोरा इलाके में देसी शराब की दुकान पर बीच बाजार फायरिंग, बदमाशों ने अवैध हथियार से की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें। गाजियाबाद के लोनी में दुकान में घुसकर व्यापारी को पीटने का वीडियो वायरल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें।